वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं वो है मूंगफली के खीर की रेसिपी। मूंगफली की खीर आप ऐसे भी बना करके खा सकते हैं और व्रत में भी बना करके खा सकते हैं, भगवान को भी प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं, चाहे विश्वकर्मा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो या फिर गणेश चतुर्थी हो, कोई भी पूजा हो, आप इस प्रसाद को बना करके भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। हमें मूंगफली को फ्राई करना है तो मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है और इसी के ऊपर हम मूंगफली को फ्राई करेंगे। ये लोहे का है इसलिए इस पे जो मूंगफली है वो अच्छे से फ्राई भी हो जाती है और बहुत जल्दी भी फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर तवे के ऊपर हम मूंगफली को डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो मूंगफली का कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसे हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब जो हमारी मूंगफली है वो फ्राई हो चुकी है तो इसे हम ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद इसका जो छिलका है उन सबों को हमें निकाल करके अलग कर लेना है और मूंगफली को अच्छे से पीस लेना है मिक्सी के जार में। ये देखिए मूंगफली को मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, ये हल्का सा दरदरा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपने मूंगफली की खीर को बनाना। तो खीर को बनाने के लिए यहाँ पर दूसरे साइड में मैंने दूध को हल्का सा गाढ़ा कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो दूध है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम खीर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आधा कटोरी मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये लगभग 100 ग्राम है। चीनी को हम मिक्स होने देते हैं, उसके बाद हम मूंगफली का जो पाउडर है उसे ऐड करेंगे। चीनी हमारा मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें मूंगफली का पाउडर डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप ऐड कर सकते हैं। मैं काजू, किशमिश और नारियल यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर लेंगे। बस हाफ मिनट इसे पकाना है, उससे ज़्यादा हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो खीर है हाफ मिनट में रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, हाफ मिनट हो चुके हैं और इसी के साथ जो हमारी खीर है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये जब ठंडी होगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, तो हमें इसे और सुखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर खीर को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है देखने में। तो इसके ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम और ऐड करेंगे, उससे हमारी जो खीर है वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। और इसी के साथ हमारी जो मूंगफली के खीर की रेसिपी है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ।